हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट और ऑसम मूवीज के अपडेट और न्यूज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस को आप कभी मिस ना कर सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के डायरेक्टर पीटर रीड ने फिल्म के लिए एक रोमांस सेंटिक टीजर शेयर किया है जिसमें इपोनोमस डुओ को दर्शाया है। द अस्टोनिशिंग एंटमैन और द वंडरस वास्प अपनी आगमी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में बिग स्क्रीन पर लौटेंगे। हालांकि इस फिल्म के प्लॉट के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है और वापसी करने वाले डायरेक्टर पीटर रीड ने फिल्म के लिए रोमांस सेंट्रिक को टेस्ट करते एक फोटो शेयर किया। रीड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें एंटमैन और द वास्प की फिगर्स को अन्य गुलाबों के बीच गुलाब में खड़ा दिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन में फोटो के लिए रीड ने केवल शब्द हैप्पी वैलेंटाइन डे थे, उसके बाद एक क्वांटमेनिया हैशटैग था। इससे पहले रीड ने कहा था कि क्वांटमेनिया अपनी पिछली एंटमैन फिल्मों की तुलना में बहुत बड़ी होगी। नई जारी किए डेटा ने इंडिकेट दिया है कि फाल्कन और द विंटर सोल्जर को अन्य डिज्नी प्लस शो की तुलना में व्यूअर्स द्वारा हाईली एंटिसिपेटेड शो का दर्जा मिला है। आगमी मार्वल स्टूडियो डिज्नी प्लस टीवी प्रोग्राम द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को साथ ही डिज्नी प्लस प्रोग्राम द मैंडलोरियन की तुलना में अधिक एंटिसिपेशन के साथ अभिवादन किया जा रहा है। टीवी टाइम के डेटा से इंडिकेट मिलता है कि फाल्कन और विंटर सोल्जर को अपने पहले एपिसोड से उसी दूरी पर द मैंडलोरियन की तुलना में दर्शकों से 200% अधिक एंटिसिपेशन का अनुमान लगाया जा रहा है। और वांडाविजन को इस डाटा से कंपेयर करें तो द फाल्कन और द विंटर सोल्जर 43% अहेड है इन टर्म्स ऑफ एंटिसिपेशन। ये शो कितना बेडेस होगा वो तो अब हमें रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप इस शो के लिए कितना एक्साइटेड हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जेम्स गन ने अपनी अपकमिंग द सुसाइड स्क्वाड फिल्म पर कमेंट की और खुलासा किया कि यह नो होल्ड बैरियर होगा, 100 अधिक शार्क और नो होल्ड बैरियर होगा। गन को एक फैन ने ट्वीट करते पूछा कि द सुसाइड स्क्वाड उनकी दूसरी प्रायर मूवी से अलग कैसे होगी और एक फैन ने पूछा कि नो होल्ड बैरियर का क्या मतलब, जिस पर गन ने रिस्पॉन्स देते कहा कि नो होल्ड बैरियर इसका मतलब है कि मुझे कंस्टेंट टेंट पोल फिल्मों या बजट या रेटिंग के सूत्रों द्वारा विशेष नहीं किया गया था। कभी कभी इन बाधाओं से मदद मिल सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अनलवेबल कैरेक्टर के बारे में एक टाइट कहानी बताने के लिए प्रतिबंधित था जिसे हम पसंद कर सके, यह गन का कहना है। जैक स्नाइडर का कहना है कि वॉर्नर ब्रदर्स को जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के पूरा होने के बाद उनकी जस्टिस लीग 2 में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी बेटी की मौत और स्टूडियो के साथ लगातार लड़ाइयों के बाद स्नाइडर जस्टिस लीग से दूर जाने के लगभग 4 साल बाद हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट पर पोल लगभग अपने समापन पॉइंट पर पहुंच गया है। मार्च में रिलीज होने पर HBO मैक्स जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का घर होगा। यह R-rated फिल्म नियरली 4 घंटे की होगी जो 2017 की फिल्म से बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग को रिलीज होने में कुछ सप्ताह बाकी है। कई प्रशंसकों ने जो फिल्म के प्रचार का काम पूरा किया और रिलीज किया उन्हें उम्मीद है कि फिल्म स्नाइडर वर्स का अंत नहीं होगी, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्नाइडर ने बताया कि स्टूडियो की तरफ से कोई साइन नहीं मिला है दूसरी जस्टिस लीग और दूसरी कोई DC मूवी बनाने के लिए। रेडिएटर 5 के लिए एक संभावित सिनॉप्सिस सामने आया है। फिल्म का खुलासा एक युवा मूल अमेरिकी महिला के इर्द गिर्द घूमेगा। एबीपी गैलेक्सी के अनुसार फिल्म काय का पालन करेगी, एक कमेंची जनजाति का सदस्य जो योद्धा बनने के लिए जेंडर और ट्रेडिशनल के खिलाफ जाता है। डेविड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित रेडिएटर 5 को कैलगरी कनाडा में इस मई से शूटिंग शुरू करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म फ्रेंचाइजी में अगली एंट्री रिपोर्टेडली तौर पर टेसा थॉम्पसन के साचे में लीड की तलाश में है। ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन मूवी ब्लॉग की एक रिपोर्ट बताती है कि अगली अनटाइटल्ड ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म थॉम्पसन के समान एक ऐसी ही कास्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रूथ नेगा, जेरनी स्मॉलेट और जो क्राविट्स इन सभी जैसी एक्टर्स को लेने की सोच रहे हैं। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने पुष्टि की है कि किंग ऑथर पर एक रिटेलिंग मूवी डेवलप कर रहे हैं। मैं कुछ पर काम कर रहा हूँ लेकिन हम देखेंगे, स्नाइडर ने मिथुन मेन के साथ एक इंटरव्यू में कहा। मैं किसी तरह की रिटेलिंग के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे एक उस आर्थरियन पौराणिक कॉन्सेप्ट के वफादार रिटेलिंग का वास्तविक प्रकार। हम देखेंगे, शायद वह किसी पॉइंट पर आ जाएगा, यह स्नाइडर का कहना है।
डिज्नी प्लस को 2026 तक सबसे मोस्ट ग्लोबल सब्सक्राइबर के साथ स्ट्रीमिंग सेवा होने का अनुमान है वर्तमान लीडर नेटफ्लिक्स को हराकर। वर्तमान पेंडेमिक ने घर बैठे कई लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे स्ट्रीमिंग कंपनियों को फायदा हुआ है। पिछले दो वर्षों में HBO मैक्स, पीकॉक जैसे नए प्लेटफॉर्म दिखाई गए हैं और एप्पल टीवी प्लस सफलता के विभिन्न डिग्री के लिए क्राउडेड वाले स्ट्रीमिंग फील्ड से जुड़ते हैं। नए ऑफरिंग में डिज्नी प्लस सबसे सफल में से एक रहा है। डिज्नी प्लस नवंबर 2019 में लॉन्च हुआ और अभी अनाउंस किया गया है कि यह 95 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। यह चार वर्षों में अपने 19 मिलियन सब्सक्राइबर के ओरिजिनल टारगेट को बीट करता है और प्लेटफॉर्म स्लो डाउन होने का कोई भी सिग्नल नहीं दिखाई देता है। इस बीच नेटफ्लिक्स लंबे समय से स्ट्रीमिंग स्टैंडर्ड बैरियर है और वर्तमान में उसके 200 मिलियन से अधिक ग्लोबल सब्सक्राइबर है। हालांकि यह कुछ ही वर्षों में बदल सकता है। डिजिटल टीवी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी प्लस को नेटफ्लिक्स के अनुमानित 286 मिलियन को हराकर 2026 में 295 मिलियन ग्लोबल सब्सक्राइबर तक बढ़ने का अनुमान है। हालांकि एकमात्र देश जिसमें डिज्नी प्लस के अधिक सब्सक्राइबर होंगे वह भारत है, तब भी हिंदी डब का कोई ठिकाना नहीं है। चलो इस समय इसे साइड में रख के आगे बढ़ते हैं, जहां नेटफ्लिक्स के 13 मिलियन की तुलना में 89 मिलियन डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्राइबर का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्ट्रीमिंग सेवाएं डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स से बहुत पीछे चलेगी। अमेजोन की प्राइम वीडियो सेवा 184 मिलियन तक पहुंच जाएगी, HBO मैक्स 15 मिलियन तक पहुंच जाएगी और एप्पल टीवी प्लस 2026 में सिर्फ 11 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग।